हेलो एवरीवन वन ग्रीटिंग्स ऑफ द डे मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ए यू कॉमर्स कॉलर में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट मॉक टेस्ट पार्ट 18 जिसमें हम कवर करने वाले अगले 25 क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यू 426 हंड्रेड एमसीक्यू फोर तक एंड फिफ्टी आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दो कैंडिडेट्स आर गोइंग टू अपियर फॉर बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम और एम कॉम एंट्रेंस एग्जाम साथ ही साथ ये उन सबके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो आने वाले समय में क्रेट नेट जी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें आइए शुरुआत करते हैं टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट आइए शुरुआत करते हैं अपन लोगों का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चार सौ छब्बीस क्वेश्चन क्या द स्टाफ आर हु प्रोवाइड एडवाइस टू डैश जो स्टाफ है एक्सपर्ट हैं किसको एडवाइस प्रोवाइड कराते हैं पहला ऑप्शन वर्कर्स दूसरा ऑप्शन लाइन वर्कर्स तीसरा ऑप्शन लाइन ऑफिसर्स चौथा ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी लाइन ऑफिसर्स द स्टाफ आर एक्सपर्ट प्रोवाइड एडवाइस टू लाइन ऑफिसर्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 427 क्वेश्चन है हमारा फंक्शनल अथॉरिटी डैश जो फंक्शनल अथॉरिटी होती है वो क्या चीज इंश्योर करती है पहला ऑप्शन कोऑर्डिनेशन दूसरा ऑप्शन कंट्रोल तीसरा ऑप्शन बेटर डिवीजन ऑफ लेबर चौथा ऑप्शन न दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन फंक्शनल अथॉरिटी इंश्योर्स ऑप्शन सी बेटर डिविजन ऑफ लेबर जो फंक्शनल अथॉरिटी है वो क्या इंश्योर करती है जो लेबर है उनका सही हिसाब से डिविजन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 428 क्वेश्चन है हमारा एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट टेस्ट कंसिस्ट ऑफ डैश जो है ना उसमें क्या क्या चीजें आती हैं पहला ऑप्शन एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट टेस्ट कंसिस्ट ऑफ दूसरा ऑप्शन इंटेलिजेंट टेस्ट तीसरा ऑप्शन इंटरेस्ट टेस्ट चौथा ऑप्शन ऑल दो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि एप्टीट्यूड टेस्ट में आपकी एप्टीट्यूड तो टेस्ट करते ही हैं इंटेलिजेंस भी टेस्ट करते हैं और इंटरेस्ट भी टेस्ट करते हैं मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 429 क्वेश्चन है हमारा ट्रेनी फ्रॉम वन जॉब टू तो अनदर इज नोन एज डैश एक ट्रेनी को एक जॉब से दूसरी जगह शिफ्ट करने को क्या कहा जाता है पहला ऑप्शन जॉब रोटेशन दूसरा ऑप्शन जॉब प्लेइंग तीसरा ऑप्शन प्रोग्राम्ड लर्निंग चौथा ऑप्शन रन ऑफ दीज दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि शिफ्टिंग अ ट्रेनी फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज नोन एज जॉब रोटेशन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन स्टाफिंग में आप इसे जो चैप्टर है ना आपका उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर आप ये सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा पूरे मैनेजमेंट के 100 से ज्यादा वीडियोस बना रखे हैं अलग अलग टॉपिक पे छोटे छोटे ढेर सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे आप टॉपिक टाइप कीजिए नाम टॉपिक के आगे यू कॉमर्स स्कॉलर टाइप कीजिए आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा आप उसे पढ़ सकते हैं डायरेक्टली आप ये भी कर सकते हैं तो ये सारी चीजें उसमें बताई हुई है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 430 क्वेश्चन है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ डैश जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो किस चीज़ का बेसिस सर्व करता है पहला ऑप्शन ट्रेनिंग दूसरा ऑप्शन प्रमोशन तीसरा ऑप्शन परफॉर्मेंस चौथा ऑप्शन स्टाफिंग दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्व्स एज अ बेसिस फॉर प्रमोशन प्रमोशन मिले ठीक है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 431 क्वेश्चन है हमारा डैश इज कंसर्न विद डेवलपिंग द एम्प्लॉइज इन द प्रेजेंट जॉब पहला ऑप्शन मैन पावर प्लानिंग दूसरा ऑप्शन ऑन द जॉब ट्रेनिंग तीसरा ऑप्शन जॉब डिस्क्रिप्शन चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज कंसर्न विथ डेवलपिंग द एम्प्लॉयज इन द प्रेजेंट जॉब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 432 क्वेश्चन है हमारा द सुपरवाइजर मोटिवेट द सबऑर्डिनेट इन डैश पहला ऑप्शन कंसल्टेटिव डायरेक्शन दूसरा ऑप्शन फ्री रियन डायरेक्शन तीसरा ऑप्शन ऑटोक्रेटिक डायरेक्शन चौथा ऑप्शन ऑल दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द सुपरवाइजर मोटिवेट्स द सबऑर्डिनेट्स इन फ्री रियन डायरेक्शन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 433 क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन इज नोन एज डैश डायरेक्शन को क्या कहा जाता है पहला ऑप्शन 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 कमांड दूसरा सुपरविजन तीसरा कम्युनिकेशन चौथा नन दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है डायरेक्शन इज नोन एज सुपरविजन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 434 क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन हैज द फॉलोइंग फंक्शंस डायरेक्शन में क्या क्या फंक्शंस होते हैं पहला ऑप्शन

डायरेक्टिंग बोलेंगे मोटिवेटिंग बोलेंगे सुपरविजन बोलेंगे या कुछ नहीं बोलेंगे इनमें से तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है भैया तो डायरेक्टिंग ही है हमारा इफेक्टिव कंट्रोल डिपेंड्स ऑन डैश जो इफेक्टिव कंट्रोल है पहला ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दूसरा ऑप्शन प्रॉपर डायरेक्शन तीसरा ऑप्शन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन चौथा ऑप्शन ऑल दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है इफेक्टिव कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन सारी चीजों पे डिपेंड करता है इफेक्टिव कंट्रोल आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है प्रॉपर डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन पे भी डिपेंड करता है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 437 हंड्रेड एंड क्वेश्चन हमारा कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ डैश कंट्रोल जो है वो किस चीज का फंक्शन है पहला ऑप्शन मतलब किसका फंक्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है कंट्रोल करने का कि लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है कंट्रोल करने करने का 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 कि सारे मैनेजर्स फंक्शन होता है कंट्रोलिंग या किसी का फंक्शन नहीं होता किसी का तो हो नहीं सकता भैया किसी का तो होगा ठीक है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताइए 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 एकदम सही जवाब बिल्कुल सही कहा आपने ऑप्शन सी ऑल मैनेजर्स जितने भी मैनेजर्स होते हैं ना दोस्तों सबका काम होता है कंट्रोल करने का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 438 क्वेश्चन है हमारा इफेक्टिव कंट्रोल डिपेंड्स ऑन डैश डॉश इफेक्टिव कंट्रोल है किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है पहला ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है प्रॉपर डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है यह सारी की चीजों के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सारी चीजों पे डिपेंड करता है इफेक्टिव कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है प्रॉपर डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन पे भी डिपेंड करता है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन 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 नंबर 439 हमारा पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन ऑल दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम इज एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए उसके ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए और सूटेबल भी होना चाहिए ऑप्शन डी ऑल इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 440 ऑप्शन हंड्रेड दोस्तों इस क्वेश्चन सही आंसर है ऑप्शन सी कॉस्ट एज वेल एज टाइम ठीक है दोनों चीजों के ऊपर एम्फेसाइज करता है हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 441 क्वेश्चन एंड फोर्टी वन क्वेश्चन हमारा बीईपीजन ऑफ डैश बीईपी किसका फंक्शन है पहला ऑप्शन सेल्स वॉल्यूम दूसरा ऑप्शन कॉस्ट तीसरा ऑप्शन प्रॉफिट चौथा ऑप्शन सेल्स वॉल्यूम कॉस्ट एंड प्रॉफिट तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बीईपी इज अ फंक्शन ऑफ सेल्स वॉल्यूम कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 442 क्वेश्चन है हमारा द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज डैश मैनेजमेंट का दिल किसे कहते हैं पहला ऑप्शन प्लानिंग दूसरा ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग तीसरा ऑप्शन कंट्रोलिंग चौथा ऑप्शन कोऑर्डिनेटिंग दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोऑर्डिनेटिंग द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेटिंग क्योंकि हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है हर फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है टॉप लेवल मिडिल लेवल लोअर लेवल उनके नीचे वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं परचेस डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है तो कोऑर्डिनेशन इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑप्शन डी एकदम सही जवाब है टेंशन नहीं लेने का एकदम सही सही जवाब है ठीक है हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 443 क्वेश्चन है हमारा द प्रोसेस ऑफ एमबीओ स्टार्ट्स विद डैश एमबीओ का प्रोसेस कहां से शुरू होता है पहला ऑप्शन सेटिंग अप ऑफ ऑब्लिगेशंस दूसरा ऑप्शन फेटरॉन प्लान तीसरा ऑप्शन रिव्यू चौथा ऑप्शन ऑल दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रोसेस ऑफ एमबीओ स्टार्ट्स विद सेटिंग अप ऑफ ऑब्लिगेशन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि हम आपकी ऑब्लगेशन मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप कर देते हैं दे देते हैं जिम्मेदारी पहले जिम्मेदारी बना लेते हैं ना ऑब्लिगेशन इज वो जिम्मेदारी बनाना रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी देना ऑप्शन ए सही जवाब हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 444 भाई साहब कितना ज्यादा क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग ये है हमारा मैनेजमेंट इज अ डैश मैनेजमेंट क्या है पहला ऑप्शन प्रोफेशन दूसरा ऑप्शन प्रिंसिपल्स तीसरा ऑप्शन परफॉर्मेंस चौथा ऑप्शन मैन इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोफेशन मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रिंसिपल मैनेजमेंट इज नॉट अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन ऑप्शन ए एकदम सही जवाब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 445 क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट इज अ डैश एक्टिविटी मैनेजमेंट इज अ

अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 446 क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट अप्लाइज टू डैश मैनेजमेंट कहां अप्लाई होता है पहला ऑप्शन 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 बिजनेस यूनिट दूसरा फैमिली तीसरा गवर्नमेंट और आखिरी ऑप्शन ऑल तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है भैया मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होता है बिजनेस में भी होता है फैमिली में भी होता है गवर्नमेंट में भी होता है और आंसर है ऑप्शन डी ऑल हर जगह एप्लीकेबल है हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 447 क्वेश्चन है हमारा मैनेजर नीड्स थ्री स्किल्स सच एज टेक्निकल ह्यूमन एंड डैश मैनेजर को तीन स्किल की जरूरत होती है टेक्निकल ह्यूमन और कौन सी ठीक है पहला ऑप्शन कॉन्सेप्चुअल दूसरा ऑप्शन प्रोसेस तीसरा ऑप्शन एक्यूरेसी और चौथा ऑप्शन नन दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ मैनेजर नीड्स थ्री स्किल्स सच एज टेक्निकल ह्यूमन एंड 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 कॉन्सेप्चुअल 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 ऑप्शन है एकदम सही जवाब हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 448 क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट इज अ वाइडर इज देन एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू डैश किसके हिसाब से कौन सा था जो ये बोला था कि मैनेजमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के कम्पेरेटिव एक वाइडर कॉन्सेप्ट है पहला ऑप्शन ओलिवर शेल्टॉम दूसरा ऑप्शन फेोल तीसरा ऑप्शन हेरनाल्ड कूंस और चौथा ऑप्शन विलियम न्यूमैन इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारे फ्योल जी थे फ्यूल जी के हिसाब से

सही बता रहे हैं आप एकदम सही हैं, एकदम एमबीओ वॉज ड्रकर ऑप्शन ए आंसर। और हमारा अगला क्वेश्चन है 450 क्वेश्चन है हमारा एमबीओ ऑफर्स द बेसिस फॉर असेसिंग द डैश पहला ऑप्शन ऑपरेशंस, दूसरा ऑप्शन परफॉर्मेंस तीसरा ऑप्शन इक्वालिटी चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही आंसर है एमबीओ ऑफर्स द बेसिस फॉर असेसिंग द उम्मीद है कॉमेंट कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है हर वीडियोज बनाने में रात रात भर जाग करके वीडियो बनती है इतना भी ईजी नहीं है हम आपके लिए कर रहे हैं तो यार एक लाइक बनता है अगर आपको कुछ सीखने को मिला थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लेस यू टेक केयर